तीन उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है कि 2024 में जो पूरा लोकसभा चुनाव होने वाला है, एनडीए गठबंधन, हम लोग एनडीए गठबंधन के प्रमुख सहयोगी दल है बिहार में। हमारी पार्टी ही अकेले पार्टी है जो एनडीए गठबंधन के हम पार्ट हैं। बाद बाकी सभी लोग नए आए हैं। जो नए लोग आए हैं कब तक रहेंगे, कब जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारी पार्टी का जो संगठन है 40 लोकसभा बिहार में है। अगली बार जैसे 40 सीट पर एनडीए गठबंधन की जीत हुई थी। हमारे पार्टी और हमारा संकल्प है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का संकल्प है कि बिहार में हम एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से देश का भविष्य, आज के समय में देश का भविष्य प्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। और निश्चित रूप से आप सब लोगों को पता है आज़ादी के बाद पहला ऐसा मौका मिला है जो देश का प्रधानमंत्री देश ही नहीं पूरे विश्व का नेता और सर्वमान्य नेताओं के रूप में नरेंद्र मोदी जी का नाम है। आपने देखा होगा कि G20 की अध्यक्षता भारत को मिला और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ी शालीनता से G20 की अध्यक्षता उन्होंने किया और पूरे विश्व में भारत का नाम उदय हुआ। इसी तरह से चंद्रयान 3 आपने देखा होगा सफलता हुआ। इसी तरह से महिला विधेयक बिल स्पेशल लोकसभा के बजट सेशन करके वो महिला विधेयक बिल लाया गया। और चौथा काम उन्होंने किया है PM विश्वकर्मा योजना, तो समाज के जो सबसे गरीब तबका का लोग हैं जो औजार चलाते हैं उनके विकास की बात कैसी होगी, उनको औजार मुहैया कैसे किया जाएगा, उसके लिए भारत सरकार ने 13,000 करोड़ रुपया की स्वीकृति दी है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बैंक में यदि कोई दूसरा गारंटर नहीं मिलेगा तो नरेंद्र मोदी गारंटर होगा। इस ढंग से देश का विकास, मैं समझता हूँ कि आज के तारीख में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनके नेतृत्व में चाहे शोषित हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अभियत हो, सभी के हित की बात वो करते हैं। आपने देखा होगा कि स्वर्गीय पासवान जी का नारा था कि वन नेशन वन राशन कार्ड। आज के वर्तमान सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत 1,40,00,000,000 की आबादी है उसमें 80 करोड़ लोगों को अनाज मुहैया किया जा रहा है। उसी तरह से प्रधानमंत्री जी की सोच है कि देश में भारत का संविधान में मौलिक अधिकार है, लोगों को जीने का अधिकार है। उन्होंने कहा देश में चाहे गरीब हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मैं किसी को दवाई के अभाव में और पैसे के अभाव में मरने नहीं दूंगा। और प्रत्येक गरीब व्यक्ति की बीमारी में उन्होंने 5,00,000 रुपया की स्वीकृति दी। इसी तरह से जितना भी स्कीम है उज्ज्वला योजना। इस न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा। नफीसा हज एंड उमराह ट्रेवल्स, हज उमराह ज़ियारत 16 अक्टूबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। 10 नवंबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। 20 दिसंबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। 15 जनवरी 2024, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। पैकेज इंक्लूजन एयर टिकट, गुमराह वीजा, होटल, इंश्योरेंस, फूड, राउंड ट्रिप, ट्रांसपोर्टेशन बाई बस, जियारत, जमजम लॉन्ड्री। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, पासपोर्ट, दो पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड। इस बार हज उमरा का प्रोग्राम ये है, 2 सितंबर को पहला ग्रुप जा रहा लगा 15 दिन के लिए, 16 सितंबर को वापसी होगी। 95,000 के पैकेज है और सारी सहूलत है इसमें, खाने से लेके लॉन्ड्री, इंश्योरेंस, ज्यारत, मक्के की, मदीने की, सब इंक्लूड है इसके अंदर। कहाँ कहाँ से लोग इसमें आते हैं जिनको? पूरे बिहार से हमारे पास है, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सीतामढ़ी, पूर्णिया, सब जगह के लोग आते हैं दरभंगा के लिए। कितने वर्षों से आप कर रहे हैं ये? 15 साल हमारा हुआ, ऐसे तो हमारा 30 साल का एक्सपीरियंस है। 15 साल से ग्रुप लेके जाते हैं, साल में 5-6 ग्रुप जाता है हमारा, और साथ में हम खुद जाते हैं,
सारा मेंटेनेंस रेजिमेंट हम खुद करते हैं, इसमें किसी इन्वॉल्व नहीं।